सभी पूर्व सैनिकों को राम राम। आज 383 दिन और 8 मार्च और धरने का 383वां दिन। देखिए हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण जी और ये जंतर मंतर का नज़ारा। चलते हैं, मिलते हैं हम गोपाल कृष्ण जी से। गोपाल जी राम राम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। 3 डेज है आज सर। आज थोड़ा हमको इसको अंदर आने में थोड़ा ज़्यादा जो परेशानी झेलना पड़ा, जो कि फिर आगरी में बहुत आगे तक बातचीत चला गया, जो कि दो आदमी का परमिशन जिन्होंने फिर रोक रहा है। हमने पहले भी जो हमारा दो आदमी का अंदर आने के लिए पहले रोक रहा था, ब्रेक करने वाला जिनका एक प्लानिंग था, उसी के पीछे हम लोगों ने 20 फरवरी को हमारा एक साल जो पूरा होने वाला जो दिन में हम लोग ने इनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया, जो कि इसी जैसे सख्त भी काम हमारे साथ में कर देगा तो फिर हम लोग बड़ा एक्शन करेंगे, जो कि कानून तोड़ने वाला काम नहीं है। लेकिन हम आपको जो हमारा हमने बिल्कुल संवैधानिक रूप से हम अपना काम कर रहा है, अगर उसी के ऊपर ऐसे करेंगे तो फिर हम लोगों को कुछ ऊपर कदम उठाना पड़ेगा। हमने 3 मार्च को भी हम लोगों ने अपना जो सरकार को जगाने वाला काम करके दिखाया। जो अभी जो आज के दिन में हमें फिर सख्ती कर रहा है तो उसमें आगरी में हमको ये मैसेज दिया है, ड्यूटी का आपस का तालमेल में थोड़ा प्रॉब्लम था उनका, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स को रात में लगाया था, ITBP थे, ITBP अपने रूल में थे, तो दिल्ली पुलिस के साथ में उनका तालमेल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमें रोका, हमें जगह पर रोके। जो मतलब सुबह से हम लोग आप वीडियो देखने से आपको पता चलेंगे, हमने इसका साथ में वो भी वीडियो डालेंगे जो कि हम लोगों को कहाँ कहाँ रोक रहे थे, हमारे साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे थे। लेकिन बाद में अभी हमको दिल्ली पुलिस ने अभी हमको मैसेज दे दिया है, आप अपना बैनर लगाइए, आप अपना जो आंदोलन का जो मैसेज सरकार को जो देता है वो आप करिए करके हमको जो उन्होंने मैसेज दे दी, उसी की वजह से हम लोगों ने ये बैनर सारे लगा दिया, आप देख रहे हो। तो ये जो हमारा सपना को तोड़ा हुआ ये बैनर इसके अंदर हमने लगा दिया। सबसे पहले यही हम बता रहा हूँ, जो हम उनको ये बता रहा हूँ, आप लोग ने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का साथ में मिलकर जो हमारा एक मैसेज सरकार को हम दे रहे थे, हमारा कमांड हम खुद संभाल रहे थे, हम बिना राजनीति और बिना अफसरों का जो संगठन बना के हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था, हमने एक 99% तक वहाँ पर गया, लेकिन तुम लोगों ने जो हमारा सपना को तोड़ा, इसलिए आप लोगों का बैनर पे आप लोगों का फोटो लगा के यहाँ पर रखा है। ये पूरा हिंदुस्तान का सारे जो सर्विसमैन जितना भी है, पूर्व सैनिक संगठन जितना है, सबका संगठन के ऊपर बैठा हुआ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स कितना है सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कुछ संगठन का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी खजान जी जो उसका नेशनल स्पोक पर्सन आज बिक चुका है, जो हमारा ऑफिसर हेड संगठन के साथ में समझौता कर चुका है, उसी के नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई कुछ होने की जरूरत नहीं है, जो कि आप जिस कुर्सी पर बैठा है वो एक चुनाव वाला कुर्सी है, आने वाला टाइम पर आप लोग उसी गद्दे पर आप वापस दोबारा बैठते रहता है, दोबारा तीसरा बार बैठते रहता है, आप बैठे जाए उसके ऊपर, क्योंकि आप लोगों के मन के अंदर ये आ गया मेरा बिना मेरा संगठन नहीं चलेंगे, तो मैं अपना संगठन चलाने के लिए मैं सक्षम दिमाग है ऐसी जो संगठन के ऊपर जो बैठा हुआ वो सोचते हो अपने संगठन को नेशनल लेवल में ले जाने के लिए कोशिश करता है। हमने ये भी देखा है जंतर मंतर के अंदर कई लोग आए थे, कई संगठन के नेता आए थे, फोटो खींचने में लगे हैं, माला लगा दो, फोटो लगाओ, सेल्फी ले लो, और 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 70 साल के बाद भी ये फोटो निकल कर आ जाएंगे, वो दिखाते रहेंगे। हमने जंतर मंतर पर जो एजिटेशन चल रहा था, जो 2023 में फरवरी 20 तारीख को शुरू हुआ था, तभी हमने वहाँ पर गया था, हमने उनके साथ में फोटो निकाला है, देख लो, 20 साल के बाद भी दिखाएंगे, 40 साल के बाद भी दिखा के वो अपना पद फिर पाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने एक नया पैसा का काम यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर तोड़ने में लगे थे और अफसरों का हेड संगठन के साथ में जाके, अभी आपने खुद ही देखा है इस जगह पर जो हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आगे बढ़ के जा रहा था, हमने फेडरेशन बना रहा है, वो फेडरेशन बनाने का और हमारा आंदोलन के जो बीच में इसी जगह पर जो वॉइस का स्टेज लग गया था वो एक दिन के लिए, आपने ये देखा वॉइस फैक्ट्री सोसाइटी ने जो रामलीला मैदान में और रिवाड़ी में हर जगह पर अपना एक एक दिन का झड़का दिखाया। हमारा साथ में रहने वाला कई जो नेता का नाम मैं इसलिए नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ से अलग मंच बना के यहाँ पर बैठा, राजनीति यहाँ पर नहीं चाहिए, अफसर का हेड नहीं चाहिए, ये सब हमने बोलता रहा, उसी की वजह से उन्होंने हमारा साथ में चुनौती करके दूसरा मंच बनाकर बैठा था यहाँ पर 10-15 दिन आपने देखा। उसके बाद उसी जगह पर बैठ के बोलता है
मैं मेरा फोटो देखा है इन्होंने वीके सिंह साहब के साथ में और किसी के साथ में, तो हमारा वो फोटो का पीछे हमारा से चिड़ होके हमारा बदनाम कर रहा है, हम कोई राजनीति से नहीं। बाद में देखा है वो उसको AICC का कोऑर्डिनेटर बनाते हुए एक नोटिस उतर के आया, ये भी हमने देखा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कहीं भी जगह पर जा सकता है। उसके बाद हमने देखा अभी एक हफ्ते का एक करीब 15-20 एक महीने पहले की बात है, यहाँ पर AICC का जो अपना अग्निवीर का एक आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन में जो हमारा कांग्रेस का एक मीटिंग चल रहा था यहाँ पर, उस मीटिंग में हमारा पूरा लोग जो काफ़ी लोग इधर इकट्ठा हुए थे वो नेता उसी के अंदर आके भाषण दे रहा था, उसी मंच में खड़ा होके कांग्रेस का मंच में खड़ा होके भाषण दे रहा था। अब हमने उनको देखा कल के दिन में वो BJP का मंच में जाकर भाषण दे रहा था। तो आप बताइए ये जंतर मंतर पर एक साल के अंदर हमने ये देखा, ठीक है, वो दिल्ली वेटरन्स का जो नेता है पहले हमारा साथ में थे, बाद में वो अलग मंच बना कर बैठा, राजनीति की वजह से उनको अलग करके रखा है, जो कि राजनीति यहाँ पर नहीं चाहिए, पॉलिटिकल नहीं चाहिए, हमारा आंदोलन पे पूर्व सैनिक आंदोलन पे ये सब दूर करके रखा है, अब उनको पॉलिटिकल भी चाहिए, उनका अफसर भी चाहिए, तो हमारा बीच में मतभेद हो गया, तब उसको दूसरे जगह पर बैठना पड़ा। लेकिन उसी का रफ्तार हमने बता रहा हूँ, अब अपने ये संगठन के अंदर भी हमने देखा है, वो रामलीला मैदान में भी वो नेता बन के वहाँ पर भी भाषण दे रहा था, हमने ये भी देखा और रिवाड़ी में भी वो जो भाषण दे रहा था, बाद में उनसे टूट गया, उसके बाद वो उसी में नहीं। अब ये देखो जंतर मंतर का आंदोलन शुरू होने के बाद दिगंज वीरांगना महासंघ बना, किसी किसी स्टेट में कोई संगठन बना दिया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ केरला में एक PSSK बना, जो PSSK का पीछे वो भी एक ऐसी एक कहानी है, जो 20 फरवरी को हमारा पास आके समर्थन दिया हुआ संगठन जो 2171 NXCC हमारे पास आके समर्थन दिया था, उसके नेता जो केरला से तीन आए थे, सिर्फ वो तीन ही नेता आए थे, उनको कोई दल नहीं आए थे, एक भी दल को साथ में लेकर आके यहाँ पर एक गदर दिखाने के लिए आए नहीं था। वो जब भी वो स्टेज के अंदर जो उनको 20 तारीख का मौका मिला स्टेज के अंदर खड़ा होकर, वो 3 मिनट का जो टाइमिंग था वो 3 मिनट के अंदर एक वीडियो बनाकर चला गया, 4-5 फोटो निकाल के चला गया, वो हमेशा दिखाते रहता। उसके बाद जितना भी जो प्रोग्राम हमारा जो यहाँ से कॉल था उस कॉल में कभी भी वो अपने घर से बाहर नहीं निकला, जो उसका जो बाहर निकला ही नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या कर दी, जो आगे जो और भी संगठन निकल के घर जो आया था जो केरला से 2-3 संगठन और आ गया, उसके बाद इन्होंने सभी मिलकर एक गठबंधन बना दी, ठीक है, वो मुक्ति मोर्चा बना दिया वहाँ पर, जिस दिन दिन हमारा यहाँ पर कॉल थे जो 23 जुलाई उसी दिन बनाया, यहाँ पर नहीं आया। उसके बाद बातें वहाँ पर यहाँ पर आके जो कई बार जो उन्होंने कुछ वीडियो बना के गया था छाती पीटते हुए, हमें वो आरोप ये भी दिलाएंगे, लेकिन जंतर मंतर का टीम ना टूटा है ना अभी भी किसी जगह पर, ना वो बिका है ना टूटा है, आज भी वो अपने जगह पर मौजूद है। लेकिन वो जो भी लोग वहाँ से आए थे वो अपना एक संगठन बनाया और नेशनल लेवल में जाने के लिए कोशिश कर रहा था, उनको नेशनल लेवल में एक संगठन मिला, अफसर एड संगठन सब मिलके IVO इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जो वेटरन्स ऑफ इंडिया जो व्यक्ति साहब का, और IVO जो VK सिंह साहब का, जो जनरल भदौरिया साहब का, ये सभी संगठन के अंदर जो ऑफिसर हेड संगठन के अंदर मिलके दिगंज वीरांगना महासंघ एक षड्यंत्र वीरांगना महासंघ बना दिया, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कुछ नहीं है। अब जो गठबंधन बनाया है केरला साइड से वो 4-5 संगठन मिलके उन्होंने सीवा बनाया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन वेटरन एसोसिएशन, तो वो सोचा हम नेशनल लेवल में जाने का मौका मिला है, तुरंत उसी के अंदर जाके अपना समर्थन दे दिया। आप उसके बाद 11 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में षड्यंत्र महा जो न्याय यात्रा षड्यंत्र न्याय यात्रा निकालकर NFU के लिए अफसरों के लिए मदद कर रहा था उसी के अंदर वो, लेकिन षड्यंत्र यात्रा तो नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, नाम बदल कर जो पोस्टर निकाला, भाषा का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब असर पड़ता है, लिख दिया 18 तारीख को उन्होंने अपना सालगिरह जो अपना बर्थडे मना रहा था, जो उसके लिए शिवा जो बना है उसके 1 साल होने वाला है, उस 1 साल के लिए उन्होंने अपना फैमिली को इकट्ठा करके वहाँ पर ये बनाया। उसी मंच के अंदर दिगंज वीरांगना महासंघ करके एक बैनर आ गया जो 18 तारीख को वहाँ जन्म ले लिया, किसी को पता ही नहीं चलता है। अब वो वाला बैनर और वो भीड़ को फोटो निकाल के उन्होंने नॉर्थ में भेजा, और हमारा अरजीत सिंह राठौर साहब ने और हमारा बिल्ले बिल्ले ने उसी को इतना प्रचार कर दी जो देखो जो कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर तक जुड़ चुका है। आप हकीकत जानो,
क्या हो रहा है, ये सब बनाने के लिए कोई अनुमति जंतर मंतर से हमने नहीं दिया है। हमारा जंतर मंतर से इसी जैसा कोई अनुमति नहीं है। किसी के लिए संगठन को बढ़ोतरी करने के लिए, अपना संगठन को देश के लेवल में ले जाने के लिए, उनका राजनीति का डूटी सीखने के लिए, ये अफसरों का साथ में मिलके अपना को तोड़ने के लिए, ये कोई षड्यंत्र वाला काम हमने यहाँ से किया नहीं है, ना करेंगे। हम लोग यहाँ पर ना बिके हैं, ना डटे, जो किसी जगह पर भी हमें खरीदने के लिए बहुत लोग आए थे, लेकिन हम बिका नहीं। यही मैसेज आज का, 383 डेज, आज 8 मार्च 2023। जय हिंद। दुकानें भी बंद है, किसी दुकान भी खोलने का आदेश नहीं है। नजारा देख लो, जंतर मंतर का नजारा देख लो, फोर से बदलते जा रहा है। सर हमें जाने नहीं दे रहा सर, ठीक है। जंतर मंतर की सीन देख लो, आज हमारा 383 डेज हो चुका हमारा, आज जंतर मंतर का नज़ारा देख लीजिए। हाय, गुड मॉर्निंग, मैं पूर्व सैनिक गोपाल कृष्ण बोल रहा हूँ। आज 383 डेज हो गया हमारा, आज 8 मार्च 2023 है। देखो यहाँ पर जो आज जो शक्ति किया गया है, जो हमारा पूर्व सैनिक का जो आंदोलन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसी के अंदर वहाँ जाने के लिए बिल्कुल दूर दूर से बैरिकेड है, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गया। दो आदमी यहाँ आना था, दो आदमी यहाँ पर पहुँच गया जंतर मंतर पे हमने, लेकिन जंतर मंतर के अंदर जो ITBP का जो पैरामिलिट्री फोर्स का ट्रूप्स को ड्यूटी पर लगाया है, दिल्ली पुलिस को हटाया गया है, तो हमारा ACP से भी बात हो गया, सभी से हमने बात किया है, हमारा किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होने देंगे। अगर ऐसे हमारों को हमारा साथ में अगर ज़बरदस्ती करने वाला बात है, तो फिर हम लोग जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है हमको जो परमिशन देता है, वहाँ पर हम ACP के जो कार्यालय को हम घेर लेंगे। हमने ये बात कहा, कहीं ना कहीं जाके इन्होंने अपना कंट्रोल रूम से बातचीत वगैरह किया हुआ है, तो इन्होंने हमको इसके अंदर आने का परमिशन दिया। अभी हम दो आदमी यहाँ पर आया हुआ है, हमारे साथ में विजय सर आप देख रहे हो, जो हम इस जगह पर पहुँच गए, जो आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे साथ में जो आप पीछे जो ड्यूटी वाला देख रहा है, इन्हीं को साथ में लगा के हमको अंदर भेजा गया है, ठीक है। तो ये है जंतर मंतर का नज़ारा, जो हमारा जो रिपोर्ट्स जो देना है वो वाला जो फोटो सभी यहाँ से हमारा ACP का जो ऑफ दफ्तर का जो लोग आते थे एक ऐसे ही, उन्होंने हमारा फोटोस लेके चला गया है। किसी भी हालात में जंतर मंतर का आंदोलन को ब्रेक करने नहीं देंगे। विजय सर देख लो, जो दो आदमी का ही एक दल यहाँ पर आके अपना मैसेज देने वाला बात है, अब इन्होंने हमको फ़ोन से ये मैसेज दिया है, आप लोग वहाँ पर पहुँचिए, अंदर घुसिए, उसके बाद आप लोग अपना मैसेज जो है सरकार को देने वाला मैसेज हो, पूर्व सैनिकों को देश भर में जो देने वाला मैसेज हो, वो आप लोग इसी जैसा खड़ा होकर दे सकता है। तो कोई बात नहीं, हमें इतना काफ़ी है, जो कि हमारा अटेंडेंस को यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज 383 डेज है, 383 डेज हमारा आज की रिपोर्ट है, जो कि देश भर के पूर्व सैनिक आप लोग देख लो, हम लोग जो 383 डेज से यहाँ पर बैठा हुआ है, संवैधानिक तरीक़ा से हम लोगों ने अपना जो मैसेज सरकार को देते गया। ऐसा कोई जगह नहीं है जो अपने हिंदुस्तान के अंदर हमारा ORP रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं हो। एक साल तो बहुत होता है, एक साल से ऊपर हो गया। हमने हमारा जितना भी IAS कैडर है, जो DMDC, उनके द्वारा हम लोगों ने 3 तारीख को हमारा मैसेज भारत सरकार के पास उनके जरिए भेजा गया है, जो भारत का राष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनका पास हमारा मैसेज पहुंच गया है, आपको सबको पता है। जो एक कलेक्टर अगर अपना मैसेज भेजता है तो सख्त आदेश है, जो यहाँ पर
आपको मैंने पूरा नज़ारा दिखा दिया जो जंतर मंतर का। ये है आज का सीन। देखिए, जो हम लोग ने अपना संवैधानिक तरीका से सारे मैसेज हम सरकार को दे चुका है, हमारा इंडिया के अंदर 760 कलेक्टर के द्वारा हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम भेजा था, सारे तहसीलदार द्वारा भेजा गया है और सारे सांसद द्वारा भेजा गया है, जो सत्ता पक्ष को हो विपक्ष को। उसके बाद हमें यहाँ पर बैठा हुआ है, कई बार हम लोगों ने सरकार को अपना इंटीमेशन दिया भी गया है, लेकिन जो ठंडा बस्ते में लेके जाता है किसी ना किसी तरीके से इसको ब्रेक करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये कभी ब्रेक नहीं होंगे। ये आवाज़ पूर्व सैनिकों का है, पूर्व सैनिक इतना आसानी से डर के जो अपना हार नहीं मानेंगे। ये आज के जो आपको मैसेज है और हमारा बैनर को लगा के जो भी मैसेज है आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, क्योंकि उसका बातचीत चल रहा है। जय हिंद सर। हो गया सर, क्लोज कर लो। ओके। हमेशा की तरह जंतर मंतर में आज भी हम मौजूद है। जो 144 धारा उसी हिसाब से दो ही आदमी का परमिशन होता है, हम दो ही आदमी इसके अंदर आया हुआ है, दो आदमी का ही परमिशन है। तो बैनर लगाना नहीं है, नारा नहीं लगाना है, माइक नहीं लगाना है, वो जिंदाबाद नहीं करना है, ये सब हमारा 144 धारा के साथ में जो है सभी जानता है। लेकिन हमारा एक रिपोर्ट, हमारा जो 383 डेज हो चुका है, आज 383 डेज है, आज 8 मार्च है, जो हमारा मैसेज आज का भी हम सरकार को दे दी। और शक्ति तो बहुत है, हर जगह पर हमको रोक टोक हो रहा है, बहुत बहसबाजी भी हो गया हमारे साथ में हर जगह पे, जो कि देखो कोई किसी जगह पर कोई सोशल मीडिया नहीं है। और दूसरी बात है, बातचीत करता है तो उसका वीडियो बनाने वाला बात है, इसके लिए हमारे साथ में कोई नफरी नहीं है, जो कि दो ही आदमी से ऊपर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा संदेश जा रहा है, जो हमें एक ने बता रहा था कल शाम को, हमारा पलाना साहब से मिलो, हमारा पलाना साहब आपके लिए काम करेंगे, ठीक है, सब मिलके काम करेंगे, अफसर जेसीओ जवान सब मिलके आंदोलन करना चाहिए था, आप लोग बहुत गलत करते हो, अफसर के बिना कुछ नहीं चल सकता है, अफसर के बिना कैसे आंदोलन चलेंगे, आप अफसर को आने नहीं देता है, राजनीति पार्टी को आने नहीं देता है, और राजनीति अगर अफसर नहीं होने से कोई आंदोलन नहीं चलता। देखो, राजनीति और अफसरों को बाहर रखते हुए आज 383 डेज हो चुका है, तो हमारा जो मैसेज जो है सरकार के पास पहुंच भी चुका है, तो उसी का ही नतीजा है हमको इसी जैसा ब्रेन वॉश करने के लिए कई से कई लोग आता है। देखो, फौज के अंदर भी हम लोगों ने बहुत लेक्चर सुना है, आप भी सुना है, हम भी सुना है, हमें कोई लेक्चरबाजी नहीं चाहिए किसी का, हमें काम से मतलब है। हमारा साथ में विसंगति हुआ है, वे जो पेट्रोलों के ऊपर वो कर किया करके जो इसी जैसा जो काम हम करके हमें रोड में बिठाया हुआ है, हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारियों ने, उनके पास जिम्मेदारी था सरकार के सामने बात करने के लिए, पे कमीशन का टेबल बनाने वाला बात हो, सरकार से बात करने वाला बात हो, रक्षा मंत्री के सामने बैठ के चाय पीने वाला बात हो, हर बात पे वो लोग अपना आगे रहते थे। साथ में हमारा देशीय संगठन भी रहता है, आप सब जानते हो, देशीय संगठन के अंदर हमारा जेसीओ जवान, ऑर्डिनरी कैप्टन, लेफ्टिनेंट सभी रहता है, लेकिन थाली बजाता है सिर्फ उनका साथ में बैठ के, चाय पीता है उनका साथ में बैठ के, चंद फायदा लेकर घूमता है वो। देखो, केंद्र से उनको फंड मिलता है, देशीय संगठन जितना भी है केंद्र से उनको फंड मिलता है, बोलता है अफसर, अरे साहब फंड ले लो, एक्श करो साहब, अगला 3 साल के लिए फिर आपको हमने उसी कुर्सी में बिठाएंगे। वफादार बनते 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 उस कुर्सी को संभालते रहा, 75 साल भी बीत गया, हमारा गुलामी बढ़ते गया, हमारा मांग हक के पीछे किसी ने जो मतलब पहाड़ बनकर दीवार बनकर खड़ा हो गया, आज जेसीओ जवान का अस्तित्व को मिटाने का कोशिश हो रहा है पूरे देश में, ये हमने देखा। और हमारा में कुछ नपुंसक जो मैं यही बोलूँगा, जो सेना में नौकरी करके आया हुआ है, जो राजस्थान में बैठ के आंदोलन कर रहा है शाम के टाइम पर, वो भी वो साहब अपना नाम के पीछे वो रैंक निकाल देता है, बोलता है ऑर्डिनरी कैप्टन, सुबेदार मेजर, ऑर्डिनरी, ये सभी रैंक बताता बीच में, फिर उसके बाद ऐसे बातें करता उस जगह पर बैठ के जो डिप्रेशन का बीमार जैसा बातें करता है, जो कि डिप्रेशन का बीमार वाला जो लोगों को हमेशा हर चीज़ नेगेटिव दिखाई देता है। अगर एक ग्लास पानी उनके सामने रखेंगे ना, ये पानी भरा हुआ है ग्लास में करके पूछने से, वो बोलेंगे ग्लास छोटा है।
ठीक है, और भी बढ़ सकता था अगर ग्लास होने से, बड़ा ग्लास होने से इतना पानी उसके अंदर और डालने से आगे और बढ़ सकता था। इसी जैसा बातें करेंगे, वो डिप्रेंस से होता है, डिप्रेशन का बीमारी है। लेकिन हमारा आंदोलन ब्रेक करने का कोशिश बहुत कुछ कर चुका है, आज भी जारी है। 383 डेज हो गया, हम जंदर मंदर पर डटे हैं। जय हिंद। 383 डेज, 8 मार्च 2024, हमारा आंदोलन बिल्कुल बैनर भी नहीं लगाना करके बोला, हमने बैनर लगा भी दिया है, क्योंकि तानाशाही तो हम नहीं चलने देंगे। हमारा जो आदेश है सरकार को जो इंडिमेशन देना, वो तो हर रोज़ हमारा ओके रिपोर्ट जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। सख्ती तो जितना भी बरतो, और किसी के कहने पर जो पिछले दरवाजे से कोई कहता है, तो हमारा जंदर मंदर का आंदोलन को ब्रेक करने के लिए हमारा वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कुछ मुहैया चलाते रहता है। जंदर मंदर पे हमेशा की तरह किसी को भी रहने का कोई परमिशन नहीं है। विजय सर बताओ। सर अभी तक जो है दिल्ली पुलिस की टीम नहीं आई है, और जो IDBP की टीम है और उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ये है, वो आ गए हैं तो उनसे बात कर लेंगे। विजय सर बहुत घुस सकते हैं सर, आज क्या चक्कर है? शिवरात्रि है सर आज। शिवरात्रि से क्या सर, हमारा शिवरात्रि सब हमारा शिवरात्रि, होली, दिवाली सब यहीं पे हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देख लो पूरा खाली, और इतना बड़ा कानून बना कर रखा है, इतना बड़ा कानून, देश पूर्व सैनिकों से डर गया, बताओ पूर्व सैनिक आंदोलन से डर गया सर। देखो यही हालात है, कोई बात नहीं।